आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन को लेकर के। जैसे कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आप आवेदन करिएगा ऑनलाइन, और उसमें जो है आप सभी को फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कब से कैसे क्या है पूरी जानकारी डिटेल से मिलने वाली है। लेकिन पहले हम आंवला उत्पादन के लिए बात करेंगे इसी वीडियो में, जो कि उसमें भी ट्रेनिंग सॉरी इंटरव्यू होने वाला है, कब से होगा उसकी भी बात करेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे आपका सिलाई मशीन को लेकर के, फ्री सिलाई मशीन को लेकर के। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो फ्री सिलाई मशीन के लिए भी अभी आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं 10 दिवसीय होगा आंवला उत्पाद प्रशिक्षण। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी 1 हफ्ते पहले, उसमें बताया था आप लोगों को। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है आप सभी का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ट्रेनिंग से पहले आप सभी को साक्षात्कार देना पड़ेगा, यानी कि इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारे प्रतापगढ़ की ही न्यूज की खबर देख रहे हैं आप। उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद आंवला के उत्पाद निर्माण व विकास हेतु 10 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण तथा टूल किट दिए जाने के लिए आवेदकों से ऑनलाइन प्राप्त पत्रों का साक्षात्कार दिनांक 28 व 30 अप्रैल से गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्वाह्न 11 बजे कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र प्रतापगढ़ में सम्पन्न होगा। आवेदक समस्त अभ्यर्थी अपने अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार में उपस्थित हो, यानी कि इंटरव्यू में। अब बाकी एक चीज़ हम आपको बता दें, ये एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आंवला उत्पादन योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि हमारा ज़िला जो प्रतापगढ़ है, इस ज़िले में आंवले का उत्पादन होता है, इस वजह से आंवले को ही एक जनपद एक उत्पाद के तहत रखा गया है। तो इसी का प्रशिक्षण सरकार दिलाएगी। अगर आप प्रतापगढ़ के निवासी हैं तो आपको ये प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसके तहत आवेदन किया था तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आपको, ठीक है। बाकी ये तो आपने देख लिया, 28 से 30 अप्रैल तक, मतलब 28 या 29 या 30, 3 दिन होगा, 3 दिन इंटरव्यू होगा। चाहे किसी भी एक दिन जा करके अपना इंटरव्यू दीजिए, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए फिर बुलाया जाएगा, जब ट्रेनिंग होगी बताया जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं सिलाई मशीन के लिए, जो मैंने आपको बताया था फ्री सिलाई मशीन के लिए, उसको देख लीजिए आप सभी। अब तो जिसने फ्री सिलाई मशीन में आपने सभी ने आवेदन किया था विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, इसकी मैंने 2 वीडियो आपको दी थी, पूरा तरीका भी बताया था कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, पूरी वेबसाइट भी बताई थी, ये भी बताया था मैंने आप सभी को कि आप लोग ऑनलाइन जाकर करवा लीजिए जिसने नहीं कराया है। बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा किसने इसके तहत आवेदन कराया था। जो आवेदन कराया है ऑनलाइन उसी को इसमें बुलाया जाएगा और उसी को फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कराई जाएगी। कैसे नहीं कब से, वो सब जानकारी देखिए, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। बाकी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का साक्षात्कार 4 से 6 मई तक, यानी 4, 5, 6, 3 दिन इसका भी आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। 3 दिन ये आंवला उत्पादन में भी 3 दिन इंटरव्यू होगा, और इसमें 4 से 6 तारीख तक है मई में। और उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पर कि उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार होगा। योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में दर्जी यानी कि वही सिलाई मशीन के लिए हलवाई लोहार व कुम्हार ट्रेडों में 6 दिन में कौशल विकास प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में चयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदकों पत्रों का साक्षात्कार दिनांक 4 से 6 मई तक प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला प्रोत्साहन उद्यमिता केंद्र स्टेडियम रोड प्रतापगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। ट्रेडों से संबंधित हस्तशिल्पी कारीगर जिन्होंने योजना अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया था वे अपने मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार में उपस्थित हो। बाकी साक्षात्कार में अनुपस्थित आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप 4 से 6 मई तक इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाते हैं अपने ज़िले पर, ये स्थान पूरा बताया गया है, ये हमारे प्रतापगढ़ का स्थान है, बाकी आप अपने ज़िले का अपने यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आपके यहाँ पर कितनी तारीख से होगा। हमारे प्रतापगढ़ के अगर लोग हैं आप सभी तो 4 से 6 मई तक आपको इसमें इंटरव्यू देने जाना है। आप अगर आपके यहाँ पर नहीं पता चल पा रहा है, अगर आपने आवेदन किया आप दूसरे ज़िले से हैं तो आप अपने ज़िले पर संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नहीं तो जहाँ से आपने आवेदन कराया था वहाँ से उनसे पूछिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको पूरा आवेदन
जिसने जिसने किया है उसको उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत जानकारी है तो कार्यालय के पटल सहायक के मोबाइल नंबर इतने पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योगी सरकार को आए हुए ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, आप जानते हैं फेज़ टू, तो सेकेंड बार जब सरकार बनी है तो आपने देखा है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने सभी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है तेज़ी के साथ। मैंने आपको हर एक वीडियो में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सारी योजनाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और योजनाओं का लाभ भी आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिलने लगेगा। तो बस यही है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने आवेदन किया था, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, और देखिए 4 तारीख से ही आपका इंटरव्यू होगा और इसी महीने में आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी इसकी, और आपको फ्री सिलाई मशीन भी मुफ्त में मिल जाएगी। हम आपको बता दें, हमें ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आवेदन नहीं किए होंगे ऑनलाइन, उनको लगा होगा कि ये कोई मतलब योजना तो चलने वाली है नहीं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने आवेदन नहीं किया। अब जो आवेदन नहीं किया उसको लाभ कोई भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आवेदन हो रहे थे, मैंने पूरी वीडियो भी आप लोगों को दी हुई थी, और आप लोग इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग चैनल से बराबर जुड़े रहिए ताकि आपको एक एक अपडेट सही समय पर मिल सके। अब आपको लेट से जानकारी मिलेगी तो आप आवेदन कैसे करेंगे, क्योंकि आवेदन की तारीख तो निकल चुकी है, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब इसमें इंटरव्यू होगा, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटरव्यू का तो मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन हाँ अब होने वाला है इंटरव्यू, 4 से 6 मई तक इंटरव्यू होगा ये सिलाई मशीन वाला। और उसके बाद मतलब इस कर्मचारी सम्मान योजना के तहत अगर आपने इन सभी में से किसी भी योजना में आपने आवेदन किया, जैसे दर्जी का हो गया, मतलब बढ़ाई का हो गया, टोकरी बुनकर हो गया, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, हस्तशिल्पी, और मतलब इन सभी में से किसी भी में आवेदन किया है, आपको 4 से 6 मई तक आपको इंटरव्यू दिया जाए, मतलब देना है इंटरव्यू, एक ही दिन जाइएगा, चाहे 4 से 6 मई तक एक दिन जा करके अपना इंटरव्यू दीजिए आराम से। और इंटरव्यू में आपको अपना दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है अपना सारा। ठीक है, जैसे आधार वगैरह हो गया, और बैंक का हो गया, और आपकी मार्कशीट हो गई, ये सब चीज़ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बाकी जो चीज़ें आपकी हैं उनको सबको आप लेकर के जाइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अन्य ज़िले से हैं यानी प्रतापगढ़ से नहीं किसी और ज़िले से हैं, तो आप जहाँ से आवेदन कराए थे वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मतलब कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसका जो कार्यालय है वो हम आपको बता देते हैं, तो आप अपने ज़िले के पटल सहायक से भी बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ये नंबर प्रतापगढ़ के पटल सहायक का है, आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो हो सकता है कोई फ़ायदा आपको ना मिले, लेकिन आप अपने यहाँ पर संपर्क करिएगा। बाकी आप चाहें तो इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आप अपने ज़िले का ज़िले के बारे में भी पूछ सकते हैं, और वहाँ का अगर उनके पटल सहायक का नंबर होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक।